ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਮਿਮਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਉਛਾਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆਪਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਦਾ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਯਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। किस तरह की तैयारी है सीएम साहब आपकी अपने एरिया में? हमेशा ही तैयारी रहती है और मैं बेशक हल्के में जाऊं ना जाऊं, ये लोग लंबे अरसे से मुझे वोट डालते हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बादल साहब, कल जो हुआ आप उसको किस तरीके से देखते हैं? भगवंत मान का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि डले ले लो, डले मारो, आप इसको मतलब आपका इतना तजुर्बा है? ये पहली दफा हुआ है पंजाब में, मैं किसी ना दूसरी पार्टी कांग्रेस ने कभी किया है ना और किया। ये लोग ये वो हैं जो पंजाब का अमन शांति और भाईचारक सांझ जो है उसको भंग करना चाहते हैं। देखो, हमारे लिए, पंजाब के लिए और जाती तौर पे मेरी सारी जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा निशाना यही है कि पंजाब में अमन शांति और भाईचारक सांझ है। ये लोग जो हैं इस बात के खिलाफ है और ये भाईचारक सांझ को ख़त्म करना चाहते हैं। और इलेक्शन हमारे हमेशा पीसफुल होते हैं, पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह के इंसिडेंट हो और ये आम आदमी आड़े या दूसरे जो रेडिकल्स हैं ये इस तरह का काम करते हैं।